तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथिस uh, उस स्टेटमेंट को या उस एक्सपेक्टेशन को कहा जाता है जिसको हम टेस्ट करते हैं अपने रिसर्च में यानी रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय अ रिसर्चर या इन अ रिसर्च ठीक तो हम आसान uh, लफसों में हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी expect, हमारी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमने किसी प्रोडिक्शन की बुनियाद पे स्टेटमेंट दी हो या किसी एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे आ, कोई स्टेटमेंट दी हो जिसको हम अपनी रिसर्च में टेस्ट करेंगे उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस जब हम कोई भी स्टेटमेंट देने के बाद उसे अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं अच्छा दूसरी डेफिनेशन हाइपोथेसिस की ये है कि इट्स एन एजम्पन दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम सम एविडेंस इट इज इज एन दैट मेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अब ये जो हमने इससे पहले एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन की बात की एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन कहाँ से आती है आम तौर पे हम हाइपोथेसिस बनाने से पहले हम अपना रिसर्च टॉपिक एक तैयार कर लेते हैं और उस रिसर्च टॉपिक के हवाले से कुछ रिसर्च करते हैं जिसको हम आम तौर पे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये कि उससे पहले इस टॉपिक पर जो काम हो चुका है जो रिसर्च हो चुकी है जो थ्योरीज जनरेट हो चुकी हैं उन्हें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और उनको एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास जो कुछ ओपिनियंस बिल्ड होते हैं जो कि ज़ाती तौर पर हमारे अपने ओपिनियंस भी हो सकते हैं और वो लिटरेचर की बुनियाद पर बन... किए गए कुछ ऐसी कुछ ऐसे गैप्स uh, हो सकते हैं जिसको लिटरेचर ने पहले एड्रेस नहीं किया था तो वो गैप्स फिल करने के लिए और वो uh, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम उसके बाद एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट uh, uh, कर लेते हैं ठीक है ये एक एजम्पन बना लेते हैं और उस जम्पन को हम आगे टेस्ट करते हैं ये जो कह रहे हैं कि इट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस वो एविडेंस कहाँ से आता है वो प्रीवियस रिसर्च से आता है जो लिटरेचर रिव्यू हमें मालूम होती है इस पॉइंट पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस और hypothesis में क्या फर्क है? आपको लिटरेचर में भी और जब आप रिसर्च की बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस लिखा हुआ नजर आएगा तो बुनियादी फर्क ये है कि singular, तो हम उसको अपने uh, इस्तेमाल करते हैं दिस इज यू मस्ट नो वेरी प्राइमरी एम बेसिक डिफरेंस दैट इज़ इन इम्पोर्टेंट नो फर ऑल नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पॉटेंस ऑफ हाइपोथिस की हमारा हाइपोथिस की क्या इम्पोर्टेंस मतलब किसी रिसर्च में हाइपोथिस बिल्ड करना क्यों ज़रूरी होता है हम हम क्या किसी रिसर्च में हाइपोथिस uh, बिल्ड के बगैर भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं या नहीं तो उसके हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली बात हाइपाथिस को बिल्ड करने की वे है कि ये टू द पॉइंट इंक्वायरी हमारी रिसर्च में लेकर आते हैं यानी सबसे पहले अगर तो आप हाइपाथिस बिल्ड कर लेते हैं ना तो आपको पता होता है कि आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं या आप क्या असूम कर रहे हैं और आपके रिज़ल्ट जो हैं उसके अकॉर्डली भी आ सकते हैं लेकिन आपको ये पता होता है कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं ठीक है तो जब आपके पास हाइपोथिस बिल्ड होता है तो आप उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं आप डायग्रेस नहीं करते यानी आपने कोई एक uh, देखें जब हम लिटरेचर रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं तो वो इतनी जो भी हम फील्ड ऑफ स्टडी में होते हैं चाहे हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वॉट एवर वी आर एक्सप्लोरिंग और स्टडिंग दुनिया में मौजूद जो फिनमिनान हैं वो इतने ज़्यादा वास्ट होते हैं कि हम जब इनको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो बहुत अफसा होता है कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करें तो उसमें हम डाग्रेस होकर किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं जो हमें ज़्यादा अपीलिंग या इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वो अपने पॉइंट पे रहने के लिए और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कि जिसके ऊपर हमने रिसर्च करने का इरादा किया है हाइपोथिस बिल्ड करना ज़रूरी है ये हमें ट्रैक पर रखता है यहाँ वहाँ नहीं जाने देता ठीक दूसरी बात यह है कि इसी को अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे लेकर जाएं कि वो इ चीज़ों को रेलीवेंट ऑब्जर्वेशन से अलग रखता है ठीक है कि हम हम जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पर रहते हैं और जो इ ऑब्जर्वेशन से उनकी तरफ नहीं जाते जब आपका रिसर्च हाइपाथिस आपके सामने लिखा हुआ होता है और बहुत दफ़ा जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली अब तो हम एक ऑनलाइन क्लास में हैं तो आपको प्रैक्टिकली दिस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर मी और इट इज़ इम्प्रैक्टिकल कि हम इसको प्रैक्टिस uh, कर सकें लेकिन आमतौर पर हम जब भी कोई हाइपोथिस uh, जनरेट कर लेते हैं हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आप को अपने सामने रखें ताकि ये ना हो कि आप कि कोई इ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर फंस जाएँ या आप इरेलीवेंट काम करने लग जाए और जो काम करने के लिए आप शुरू में यू यू सेट आउट टू डू समथिंग आप उसको छोड़ कर इरेलीवेंट चीज़ों के पीछे पड़ जाए ठीक है ये हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन भी देता है ठीक है हमें पता होता है कि हमें हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसी के साथ साथ एक्यूरेसी ऑफ प्रिसीजन भी आती है हमारी रिसर्च में कि हमें जब आप आगे हम एग्जैक्ट हेपोथिस फॉर्मुलेट करना सीखेंगे तो हम एक्यूरेटली एक एक पॉइंट को अलग-अलग से डिफाइन कर लेते हैं और हम ये बताते हैं कि इफ दिन, इफ, दे, इफ, दे, इफ दिस देन दैट यानी अगर ये चीज़ होगी तो इसका इफेक्ट ये होगा या अगर ये चीज़ प्रेजेंट है तो यूँ यू, कॉज़ ये है तो इफेक्ट ये होगा ठीक है तो अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम नहीं भी फाइंड आउट कर रहे होते तो वैसे ही हम फॉर रिलेशन देख रहे होते हैं तो भी हमारी आ, जो रिसर्च है उसमें एक्यूरेसी और प्रोसीजन हाइपोथिस की वजह से आती है दूसरी बात ये है कि हमारे हमारी, हमारी थ्योरी और इन्वेस्टिगेशंस के दरम्यान में हाइपोथेसिस एक लिंक क्रिएट करता है ठीक है कि जो थ्योरी पहले से बनाई गई थी या इससे पहले एग्जिस्ट करती थी उस थ्योरी में और आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है या जो आपकी अपनी प्रपोज्ड रिसर्च है उसके दरम्यान में क्या लिंक है ये भी हाइपोथिस हमें जो है बनाने का मौका देता है उसके बाद हाइपोथेसिस की वजह से ही हम प्रॉपर डाटा कलेक्शन कर पाते हैं यानी अगर आप हाइपिस प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट कर लें तो आपको ये समझ आती है ज़्यादा इट मेक्स सेंस कि आप अब डेटा कलेक्शन अपनी कैसे करेंगे ठीक है जब आप डाटा कलेक्शन करना कर लेते हैं तो आखिर में जब आप मतलब आपके पास शुरू में एक हाइपोथेसिस फार्मूलेटेड है अब आप प्रॉपर कंक्लूजनस पे पहुंच सकते हैं अगर आपका हाइपोथेसिस प्रॉपर्ली फार्मूलेटेड नहीं है तो सारे जो ये हमने इम्पोर्टेंस इसकी पढ़ी है ये जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये मुकम्मल नहीं हो पाते ठीक है और इसकी वजह से हम प्रॉपर कन्फ्यूजन में नहीं पहुँच पाते अब देखें अगर आप हाइपोथेसिस प्रॉपरली फार्मुलेट नहीं करते तो जिस पॉइंट से आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी उस रिसर्च के दौरान बिकॉज रिसर्च टेक्स टाइम एंड अ पर्सन मे वेरी इन देयर इन देयर थिंकिंग एंड इन देयर स्टेट ऑफ माइंड और वो जो जो है ना आपको लेट से आप कोई रिसर्च कंडक्ट करन, करने में कम से कम छः महीने का टाइम लगता है या फिर उसके बाद अगर आप देखें एक साल दो साल कभी तीन सालों तक भी एक रिसर्च लंबी हो जाती है तो अगर आपको प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड नहीं है आपके पास तो क्या होता है कि हम प्रॉपर कंक्लूज पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि ना हमारे पास प्रॉपर डाटा कलेक्शन होती है हम हम टू द पॉइंट इंक्वायरी नहीं कर पा रहे होते हमारा थ्यूरियर इन्वेस्टिगेशन के दरम्या में जो लिंक होता है वो नहीं कायम हो रहा होता इसी तरह से हम, हम सही प्रॉपर डायरेक्शन पे नहीं होते और हम इलिवेंट ऑब्जर्वेश में पड़ जाते हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि एक्यूरेसी और प्रोसीजन हमारी रिसर्च में नहीं रहती सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस सबसे so, पहली टाइप हमारे पास जो रिसर्च हाइपोथेसिस की होती है वो सिंपल हाइपोथेसिस ठीक है इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिंपल हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं हम कहते हैं कि इन दो चीज़ों के दरमियाम आपस में रिलेशनशिप है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि स्लीप डिप्राइवेशन का इफेक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे ठीक है तो आपका जो है ना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ स्लीप डिप्राइवेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका है स्टडी या uh, yeah, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो अब हम हमारी की सिंपल हमारे जिसमें हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया उसको सिंपल कहते हैं दूसरी टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथिस की है ये हमें दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर दो या दो से ज्यादा इनडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप uh, बताता है फॉर एग्जाम्पल yeah. मैं कहती हूँ A fresher looking skin, and it will develop more. It will de develop more collagen in the skin, and it will help in weight loss. Okay. So, uh, we have our uh, pass one to the dependent variables, and one is the independent variable. So, yeah, this is going to be our complex hypothesis. The next hypothesis is that is directional hypothesis. It predicts a positive or negative change, relationship, or difference between two variables of a population. यहाँ पे साइड पे अगर आप एक आइकन में देखें तो आपको दो तरफ की डायरेक्शंस नजर आ रही है लेकिन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आमतौर पे एक ही डायरेक्शन में होता है ये हमें बताता है कि नेगेटिव चेंज है किसी दो वेरिएबल्स के दरमिया में या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरिया में आमतौर तौर पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स को रखा जाता है ताकि हम उनकी डायरेक्शन को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर सकें और इसके साथ साथ वो हमें रिलेशनशिप में डिफरेंस उनके बारे में बता सकता है इसको वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं ठीक है यानी हम क्लियरली बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल स्लीप डिप्रावेशन विल हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन परफॉर्मेंस uh, uh, तो अब हम इसमें क्लियरली uh, बता रहे हैं कि हमारे ख्याल में अगर स्लीप डिफ्राइव्ड हो कोई इंसान उसकी नींद पूरी ना हुई हो और काफ़ी दिनों से उसकी नींद पूरी ना हुई ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप तो क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस पे उसकी मेंटल एक्टिविटी पे असर पड़ेगा ठीक है यहाँ पर हमें डायरेक्शन मालूम है कि इट प्रोडिक्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज ठीक है या इट्स इट प्रोडिक्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप ठीक है और द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स और पॉपुलेशन ठीक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि हमें क्लियरली ये बताता है कि दो चीज़ों के दरमियान में हम क्या हाइपोथेसाइज़ करें या क्या प्रपोज करें कि दो चीज़ों के दरमियान में किस तरह का रिलेशनशिप होगा फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल विल हैव गुड स्कोर्स ऑन सेट एग्जामिनेशन ठीक है या एस सी टी एग्ज़ामिनेशन तो अब आप हम ये कह रहे हैं कि जो जिन जिन बच्चों की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उनके एस सी टीज पे जो 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 एस सी टी टेस्ट्स हैं एग्ज़ामिशन पर स्कोर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर हम आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम हम हमारा जो हाइपाथिस है उसकी डायरेक्शन क्या है या दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो किस नोयत का है ठीक है इसके मुकाबले में जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथिस होता है इसमें हमारे पास कोई थ्यूरी इन्वॉल्व नहीं होती हम कहते हैं कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनकी एग्जैक्ट नेचर क्या है यहाँ पे जो हमारे पास हाइपथिस जनरेट होता है या जो नॉन डायरेक्शनल हाइपॉथिस होता है वो टू टेल्ड होता है फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इन टेक एंड वेट गेन ठीक है मैं कहती हूँ देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन शुगर इन टेक एंड कार्डियक डिजीजे अब हमें ये नहीं पता हम अपने हाइपोथिस में ये नहीं बता रहे शुगर इनटेक इज अ कॉज ऑफ हार्ट डिजीजेज़ हम ये नहीं बता रहे कि शुगर इनटेक की वजह से कार्डियक डिजीजे ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं हम ये नहीं बता रहे कि शुगर इनटेक का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कार्डियक डिजीज़ पे ठीक है कि अगर आप शुगर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो कार्डियक डिजीज़ कम होंगी ठीक है दिस इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप अगर शुगर इनटेक ज़्यादा है और कार्डियक डिजीज़ भी ज़्यादा हो so, रही हैं एक इंडिविजुअल में तो इसका मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप आप इसके दरमियान में आइडेंटिफाई कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव इन नेचर अब अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम एक डायरेक्शन दे देते हैं और हम बताते हैं कि देर इज अ पॉजिटिव और देर इज अफरेंस बिटवीबल्स और देर इज अ डिफरेंस

सदाफाज में हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, कोई भी ऐसी जो हम स्टेटमेंट एक कंडक्ट डिज़ाइन करते हैं हाइपोथिस के लिए उसकी जो अपोजिंग स्टेटमेंट होती है वो जो ये बताती है कि uh, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान में, में कोई रिलेशनशिप नहीं है उसे हम नल हाइपोथिस कहते हैं दूसरी तरफ स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बीइंग वेबल्स वन वेरिएबल हैज एन इफेक्ट ऑन अदर अल्टरनेटिव हाइपोथिस हमें ये बताता है कि दो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दूसरे लफ्सों में आप यूँ तो समझ लें इससे पहले जितने भी हम टाइप्स पढ़ चुके हैं हाइपोथेसिस है, है, की उनमें से जो भी हाइपोथेसिस हम डिज़ाइन करेंगे चाहे जिस भी टाइप का होगा उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह सकते हैं ठीक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के मुकाबले में जो दूसरा हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जो डिज़ाइन करते हैं उसका हम नल हाइपोथेसिस है कहते हैं अब साइकोलॉजी में एक एक मिजाज है या एक रिवाज है ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस जनरेट करने का आप किसी भी तरीके से एक जो साइक अपना एक चूज हाइपिस जनरेट करते हैं उसका हम आल्टरनेटिव हाइपिस कहते हैं और उसके अपोजिट जो बात हम प्रेजेंट करते हैं उसका हम नाला हाइपोथिस कहते हैं ये हम क्यों करते हैं इसकी वजह यह है कि कई दफ़ा दो चीज़ों के दरम्या में या दो से ज्यादा चीज़ों के दरम्या में जो रिलेशनशिप हम स्टडी करना चाह रहे होते हैं वो रिलेशनशिप बाय चांस भी एग्जिस्ट कर सकता है यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी के स्कोर इसीलिए ज़्यादा हों क्यों उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है यानी हम ये कहते हैं कि रिलेश जो इंटेलिजेंस है और आ, किसी के जो पर्टिकुलर स्कोर्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है और अगर कभी हमें रिलेशनशिप नजर आया है तो दैट इज ड्यू टू चांस ये चांस का जो लव्स है दैट इज रिलेटेड टू ऑफ रिलेटेडिस्टिकल सिग्निफिकेंस जब भी हम अपना अपनी जो स्टडी है जो अपनी रिसर्च है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं या हम स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम सिग्निफिकेंस के कुछ हैं जो हम रन करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि क्या जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो चांस आए हैं या वो एक्चुअली ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव और नेगेटिव को रिलेशन की एग्जिस्टेंस की वजह से आए हैं ये करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कंसिडर दिस सिंपल एग्जाम्पल students have better learning experience in physical classes compared to online classes. This is H1. ठीक है? याद रखें जो alternative hypothesis है उसको हमेशा H1, H2 या H3 and so on इस तरह से signify किया जाता है, इस तरह से represent किया जाता है. जबकि जो null hypothesis होता है उसको H0. ये जो आपको zero लिखा हुआ नजर आ रहे हैं, this is H0. H0 के जरिए उसको uh, uh, represent किया जाता है. अब आप देखें देर इज़ नो डिफरेंस इन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ़िज़िकल एंड ऑनलाइन क्लासेज पहला जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ आल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स फ़िज़िकल क्लासेस में जब मौजूद होते हैं तो उनकी लर्निंग बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस के जबकि नल हाइपोथेसिस हमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो फ़िज़िकल और ऑनलाइन क्लासेज में उस, उसके दरिया में कोई फ़र्क नहीं है तो ये जो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पता चले कि जो हमें चेंज नजर आया है अपने वेरिएबल्स में वो चेंज वाकई उस प्रपोज्ड वजह से है जो हमने अपने हाइपोथेसिस में बताई है या वो किसी और वजह से है जो उस वक्त हमें मालूम नहीं है हम यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों चीजों के दरमियन कोई रिलेशनशिप नहीं है हमने सिर्फ वो रिलेशनशिप अज्यूम कर लिया है जस्ट टू टेस्ट हमारा हाइपोथेसिस या जो हमारी एजम्पन है वो करेक्ट है या वो करेक्ट नहीं है हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या डिजाइन करते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड एसएटी स्कोर्स हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है आई क्यू के दरमियान में और एस ए टी के दरमियान में यानी जैसे जैसे आई क्यू बढ़ेगा एस ए टी स्कोर्स बढ़ेंगे ठीक है अगर किसी इंडिविजुअल्स का आई क्यू कम होगा तो उनके एस ए टी स्कोर्स भी कम होंगे इसके कंपैरिजन में जो हमने नल हाइपोथिस डिज़ाइन किया है वो हम वो कह रहा है देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन आई क्यू एंड एस ए टी कि आई क्यू और एस ई टी स्कोर्स के दरमान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता देखिए याद रखें कभी कभार स्टूडेंट्स ये समझने में कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको समझ में ठीक से नहीं आता वो समझते हैं कि अगर हम पहले यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करें हैं, तो उसको जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हम कहेंगे देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन आईटी एंड आईक्यू एंड एसएटी स्कोर्स वो इस नेगेटिव रिलेशनशिप को नल हाइपोथेसिस समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है हम रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हम ये नहीं कहते कि जिस रिलेशनशिप को पहले हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टडी किया था उसी को अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में स्टडी करें नल हाइपोथेसिस में हम रिलेशनशिप को निगेट कर रहे होते हैं या नलिफाई कर रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं कि जो रिलेशनशिप हम स्टडी करें वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता इस चीज़ को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं